नेचुरल फैमिली प्लानिंग से पीरियड्स या प्रेगनेंसी रोकने के नैसर्गिक तरीके, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग आते हैं कि हमें बच्चा होता नहीं है या हमें बच्चा चाहिए नहीं, दोनों भी आते हैं। और उसके लिए नेचुरल क्या उपाय, किस तरह से हम नेचुरली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरली फैमिली प्लानिंग कैसा कर सकते हैं। तो जो जो लोग मेरे पास में आते हैं उनको ये मैं बताते रहता हूँ कि भाई कौन सा पीरियड जो है ओव्यूलेशन का, कि वो ओव्यूलेशन के पीरियड में आपका सेक्स होना जरूरी है यदि आपको बच्चा चाहिए तो, और बच्चा नहीं चाहिए तो वो ओव्यूलेशन का पीरियड टालना जरूरी है। अब ये क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है कि स्त्री में, महिला में जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है और महीने में एक ही बार निकलता है, तो जो अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब से उसकी यात्रा चालू हो जाती है और धीरे 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 वो 12 घंटे के अंदर वो गर्भाशय में आ जाता है। वे जो अंडा है उसको यदि शुक्रजंतु मिल गए, स्पर्म्स आदमी के, और वो जो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक बनता है और फिर वो वहां से आके वो गर्भाशय में उसका इम्प्लांट हो जाता है और गर्भाशय में फिर उसका बच्चा धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो है, ये जो सफर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसको 12 घंटे वो जीवित है, 12 घंटे लाइफ है उसकी, और 12 घंटे के अंदर उसको स्पर्म मिलना जरूरी है। तो फिर यदि बच्चा चाहिए तो ओव्यूलेशन का समय मालूम होना चाहिए ताकि उस समय हम सेक्स करेंगे और बच्चा होगा, या बच्चा नहीं चाहिए तो ओव्यूलेशन के समय सेक्स टालना चाहिए। तो जिनकी साइकिल रेगुलर है, जो लेडीज की साइकिल रेगुलर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उनके लिए खास करके बहुत फायदेमंद है। क्या होता है कि पहला दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, पहला दिन, फर्स्ट डे, तो वो फर्स्ट डे हमने लिख लिया, उसकी तारीख लिख लिया, तो वहां से 14 दिन उसमें ऐड करना, 14वां दिन, 14th डे। तो 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है यूजुअली। तो 14वें दिन में जब ओव्यूलेशन होता है, और हो सकता है कि वो कभी 13वें दिन हो जाएगा, कभी 12वें, या कभी 15वां, कभी 16वां, इसलिए मैं हरदम बोलता हूं कि 12 से लेके 12, 13, 14, 15, 16 ये दिनों में एक्स, मतलब स्पर्म का अंदर जाना जरूरी है और सेक्स होना वो जरूरी है। तो यदि बच्चा होना है तो जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका दिन पहला, वहां से 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इतने दिन सेक्स होना बहुत जरूरी है। उस समय सेक्स करो, ज्यादा चांसेस है कि उस समय बच्चा होगा, क्योंकि उस समय जो अंडा रहता है स्त्री का वो जीवित रहता है, 14वें दिन वो बाहर निकलता है और वो उसको यदि स्पर्म मिल गए तो उसका फर्टिलाइजेशन होता है, एक तैयार होता है और फिर वहां से वो बच्चा पैदा होता है। यदि उसको वो स्पर्म मिला नहीं, यदि शुक्रजंतु नहीं मिला, तो क्या होता है, वो अंडा जो अंडाशय से बाहर आया हुआ है, वो फैलोपियन ट्यूब से यूटरस में आया, उसकी मुलाकात शुक्रजंतु से नहीं हुई, तो अल्टीमेटली वो धीरे 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 शेडिंग हो जाता है गर्भाशय का, जो अंदर का जो अस्तर रहता है उसका, और वो शेडिंग होकर वो धीरे 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 27, 28 या 29वें दिन में पूरा बाहर निकलता है और एमसी के जरिए खून बीन सब बाहर आके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पीरियड्स आ जाते हैं। तो यदि आपको प्रेगनेंसी रोकना है, प्रेगनेंसी नहीं होना है, तो ये नैसर्गिक नेचुरल उपाय है कि आप 12वें से 16वें दिन तक सेक्स मत करो। और 12वें 16 मतलब कब है ये 12वां, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने का दिन जो है वो पहला दिन, वहां से 12, 13, 14, 15, 16 सेक्स मत करो। ये आपको चाहिए ही चाहिए बच्चा, तो ये पीरियड में सेक्स करो, क्योंकि ये पीरियड सेफ पीरियड है सेक्स करने के लिए। जब आप सेक्स करते हो तो बच्चा पक्का होने का चांसेस है। और ये कब है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी हद तक रेगुलर है। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ही इरेगुलर है कि 2 महीने में एक ही बार आती है, तो फिर ये इक्वेशन, ये गणित काम में नहीं आएगा। तो ये जरूर आप इस्तेमाल कीजिए ताकि ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग आपकी होंगी और ये जरिए आपको बाकी कुछ भी फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल न करते हुए आप बच्चा होने से रोक सकते हैं, या फिर बच्चा चाहिए तो उस समय ही सेक्स करके बच्चा पैदा कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी महिलाओं को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।